सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो पहले उसके कुछ रूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और लेंस कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक पहले आप लंबी सी लाइन खींचिए और उसके कुछ चार पार्ट्स में डिवाइड करिए उस लाइन को। मैंने 2.5 सेंटीमीटर ले रखा है, 1-1 इंच, और जैसे आपने चार पार्ट्स कर लिए कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए। और आपको पता है कि ये होने वाला है मेरा 2F1, ये होएगा F1, ये O, ये F2, ये 2F2। तो 2F2 पे नीडल रखिए कंपास की और O से थोड़ा सा कम खोलिए कंपास, थोड़ा सा कम। तो जब आप थोड़ा सा कम ऐसे खोलेंगे और ऐसे एक आर्क बना देंगे। सिमिलरली सेम ऐसे ही 2F1 से भी करना है और आप इनको मिला दीजिए तो आपका एकदम नीट लेंस बन जाता है। और इसका जो रूल है वो ये है कि अगर कोई भी रे इसके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारे आती है तो वो ऐसे हमारी डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए वो जितनी भी लाइट आती है, रेज आती हैं, वो डाइवर्ज कर देता है। तो हम अपने पहले केस की शुरुआत करते हैं। तो पहला केस जो है हमारा, उसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कुछ पैरेलल रेज आ रही हैं, तो पैरेलल रेज ऐसे आएंगी सीधा और ऐसे चली जाएंगी। और इसका जो दूसरा रूल था वो यही था, सेम एज कॉन्वेक्स लेंस का, कि ऑप्टिकल सेंटर से आप कोई भी रे पास करोगे तो वो सीधा पास होगी, कहीं डेविएट नहीं होगी। बस यही रूल का डिफरेंस था, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैंने वो पिछले वीडियो में रूल कवर कर दिया था। अब ये दो तो डाइवर्जिंग रेज हैं, ये तो कहीं आगे जाके मिलेंगी नहीं, तो इनको अगर मिलाना है तो वो कहीं बैकवर्ड हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारी F1 पे मिलनी चाहिए। तो आप रेज को ऐसा बनाइए कि वो F1 पे बैकवर्ड प्रोड्यूस हो, तो ये हमारी ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस होगी। और ये थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई थी क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए। और आप ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे स्केल रख के सीधा रे बनाएंगे तो आपकी स्ट्रेट बनेगी। इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही मेरी, एट F1। साइज क्या है, साइज इज हाईली डिमिनिश्ड। अब इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेचर तो हमारे हमें एकदम पॉइंट साइज में समझ आता नहीं, लेकिन अगले केस में हमें समझ आ जाएगा। फिर भी खैर, लिखने के लिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज इसलिए बन रही है क्योंकि हमारी लेंस की हमेशा पहले बन रही है, तो वर्चुअल इमेज बन रही है एंड ये हमारी इरेक्ट होती है। तो ये था हमारा पहला केस, और इसके दो केसेस होते हैं कॉनकेव लेंस के। तो ये है हमारा सेकंड केस, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है वो हमारा होएगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इस बार हम ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास ले आए हैं, इन्फिनिटी पर एकदम नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना देता हूँ। अब इससे जब मैं रे पास करूँगा सीधा ऐसे, सो डैट विल गो, तो ऐसे डाइवर्स हो जाएगी कि अगर मैं उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो वो F1 पे आए। तो यहां से उसको मेरे को ऐसे डाइवर्ज करना पड़ेगा कि अगर मैं उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो वो ऐसे आए। और जो हमारी दूसरी रे पास होगी दैट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रे हमारी सीधी जा रही है, इसको भी आप देखोगे तो यहां पर कहीं मिल रहे हैं। तो यहां पर मेरा बन गया ये ए बी, मेरा ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश मेरी इमेज बन गई। तो ये हमारी कहाँ बन रही है, इमेज बिटवीन एफ एंड ओ। जो हमारा साइज है वो आप देख सकते हैं, डैट इज हाईली तो नहीं, सिर्फ डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड हम सिर्फ पॉइंट साइज्ड इमेज के लिए लगाते हैं, जैसे हमने पिछले केस लगाया था। नेचर जो है इसका, क्योंकि ये मिरर से पहले बन रही है, डैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल इमेज। एंड क्योंकि इमेज सीधी है सो इट इज इरेक्ट। तो ये थे हमारे कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम, और मैंने सारे रे डायग्राम कवर कर दिए हैं जितने भी हमारे मिरर लेंस के हैं। आप